निकाय चुनाव को लेकर शिकारपुर तहसील में नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। डीएमसीपी सिंह ने पहुंचकर किया निरीक्षण। जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील के आसपास निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सीपी सिंह को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मिली चाक चौबंद। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीओ वरुण कुमार सिंह संभाले हुए हैं। वहीं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए शिकारपुर तहसील में पहुंचे एसपी देहात बजरंग बली चौरसिया। एसपी देहात सभी बूथों का निरीक्षण कर दिए संबंधित दिशा निर्देश। शिकारपुर एसडीएम प्रत्येक काउंटर पर संबंधित अधिकारियों को दे रहे हैं संबंधित दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने बताया है कि आज 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगी यह नामांकन चुनाव प्रक्रिया। जनपद में चुनाव पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, जिसमें प्रत्याशी एवं सभासद पद के दावेदार नामांकन के लिए अपना पर्चा खरीदने पहुँचे। शिकारपुर तहसील में सुरक्षा व्यवस्था में थाना शिकारपुर, अहमदगढ़, सलीमपुर, छतारी, पहासू एवं अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी देहात ने कहा है कि प्रत्याशी के साथ दो व्यक्तियों को अंदर प्रवेश किया जाएगा, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। बुलंदशहर से संवाददाता तहसील में शिकारपुर, छतारी और पहासू तीन स्थानों के यहाँ से पर्चे मिल रहे हैं, जिससे नामांकन होगा। और आप सबकी जानकारी में कि आज से प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो रही है, जिसके दृष्टिगत ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं। सब वार्ड वाइज पर्चे कहाँ से मिलेंगे, फिर कहाँ जमा होंगे, तो सब चीज़ें बैरिकेटिंग करके सबको अलग अलग चिन्हित कर दिया गया है और सब जगह लिस्ट लगी हुई है। और जो आएँ अपना नामांकन पर्चा खरीदें और वापसी करके जब लिए दोनों तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे व्यवस्था है और पार्किंग प्लेस पे ही लोग आ रही है चली जाए। और अंदर की सुरक्षा के लिए और बाहर के लिए सीओ साहब खुद यहाँ मौजूद हैं और बहुत व्यापक तौर से हम सब प्रत्याशी के साथ नामांकन जाते समय कितने लोगों को अंदर ले जा सकते हैं? कुल 3 ही लोग हैं नामांकन में ही जाते समय। प्रक्रिया जो है निकाय चुनाव को लेकर की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं जनपद में की गई है तमाम तहसीलों में? आप जानते हैं कि हमारे जनपद में 17 नगर निकाय हैं, 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत। मैं अभी शिकारपुर तहसील में हूं, जहां शिकारपुर नगर पालिका का नगर पंचायत छतारी और नगर पंचायत पहासू का नामांकन यहाँ होना है। आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करा करके सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी भी संदिग्ध और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। नामांकन पत्र की बिक्री आज से शुरू हुई है और इसी तरीके से सभी तहसीलों में व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी की गई है और जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, आदेश हैं और जो संविधान की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराएंगे। जी।